गाइस, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। यहाँ मेरे चैनल जज्बा पे आपको मिलेगा हेल्थ टिप्स, इंस्पिरेशंस एंड लाइफ स्टाइल से जुड़ी कुछ बातें। आज मैं बात करूँगी हाउ टू इम्प्रूव आवर वैल्यू। हम अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं, ऐसा क्या करें जिससे लोग हमारी वैल्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनना है। कॉन्फिडेंट पर्सन जो होता है उसे हर कोई लाइक करता है, उसे हर कोई सुनना चाहता है, उसे हर कोई इम्पोर्टेंस देता है। इसलिए आपको वर्क करना है अपने कॉन्फिडेंस पे। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होगा, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो हर कोई आपको लाइक करेगा और आपको वैल्यू भी मिले। अगर आप अपने वैल्यू को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आपको लोग वैल्यू दें, आपको लोग इम्पोर्टेंस दें, तो आपको अपना जो बिहेवियर है, आपको अपना जो एटीट्यूड है, उसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। अगर आप पॉजिटिव बिहेवियर रखते हैं, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो इससे आपकी वैल्यू जो है वो इम्प्रूव होगी। अगर आप अपनी वैल्यू इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको बिना सोचे समझे किसी के बारे में कोई भी बात नहीं बोलनी है और ना ही आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई एडवाइस किसी को देनी है। अगर आप बिना सोचे समझे किसी को कोई एडवाइस देते हैं या बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं तो इससे आपकी वैल्यू जो है वो कम हो सकती है। आपको शो ऑफ से भी बचना है। आपको किसी भी तरीके का कोई दिखावा नहीं करना है। आप कितने रिच हैं, आप कितने अच्छे हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, आपका फैमिली हिस्ट्री कैसी है, इन सारी चीज़ों को लेकर आपको किसी भी तरीके का कोई भी शो ऑफ नहीं करना है। क्योंकि जब हम शो ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी वैल्यू भी कम हो जाती है। इसलिए आपको शो ऑफ से दूर रहना। पर्सन जो नॉलेजबल होता है उसे हर कोई लाइक करता है, उसे वैल्यू और इम्पोर्टेंस दोनों ही मिलती है। इसलिए आपको बनना है एक नॉलेजबल पर्सन। आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके काम की, आपको नॉलेज होनी चाहिए स्पोर्ट्स की, एजुकेशन की, पॉलिटिक्स की, इसके अलावा आपके देश दुनिया में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एक नॉलेजबल पर्सन होंगे तो आप किसी को भी फेस कर सकते हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। नॉलेजबल पर्सन जो होता है उसका कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल पर होता है। इसलिए अगर आप वैल्यू पाना चाहते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस पर्सन बनना है और इसके साथ साथ आपको नॉलेज भी रखनी होगी। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आपको दूसरों में सिर्फ बुराई नज़र आती है, आप हर वक्त दूसरों में कमियां निकालते हैं, तो ऐसे पर्सन को लोग लाइक नहीं करते हैं, ऐसे पर्सन को लोग दूर भागते हैं ऐसे पर्सन से। तो आपको एक ऐसा पर्सन बनना है जो दूसरों में बुराइयां ना ढूंढता हो, जो दूसरों में कुछ ना कुछ अच्छाई को देखे और उसको प्रेस करे। दूसरों के अंदर अच्छाइयाँ देखने लगते हैं या दूसरों के अंदर कुछ अच्छाई को ढूंढ निकालते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो इससे हमारे अंदर ही कुछ चेंजेस आते हैं, हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ट्राई क्या कीजिए कि आप अगर पॉसिबल हो तो दिन भर में कोई एक ऐसा पर्सन आपको मिले जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा दिखे और आप उसको अप्रिशिएट करें। जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो आपका नज़रिया पॉजिटिव होगा, आपका बिहेवियर पोलाइट होगा। अगर आप लोगों से अच्छे से बात करते हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, आपका नेचर जो है वो पोलाइट होगा, सॉफ्ट होगा, तो लोग आपको वैल्यू जरूर से जरूर देंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।